मुंबई से बड़ी खबर है। होटल में अमेरिकी नागरिक का शव मिला है। फाइव स्टार होटल से बरामद हुआ है शव, 62 साल की बताई जा रही है मृतक की उम्र। तो पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मुंबई की सहार पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू की है। 62 साल की एक डेड बॉडी मिली है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दिया केस दर्ज कर। तो ये मामला मुंबई से है जहां पर एक अमेरिकी शख्स की डेड बॉडी मिली है। मुंबई की सहार पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। होटल में अमेरिकी नागरिक का शव मिला है, लगभग 62 साल की उम्र बताई जा रही है इस डेड बॉडी में जो शख्स है, 62 साल की उम्र बताई जा रही है। और फिलहाल मुंबई पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब कौन है, कहां से आए हैं, ये तो क्लियर हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये मौत हुई कैसे। ये मामला आत्महत्या का है, ये मामला नेचुरल डेथ का है, या फिर ये मामला हत्या का है, आखिरी मामला है क्या, इस हर एंगल से जांच कर रही है मुंबई की पुलिस। और एक और अहम खबर है, बेंगलुरु जल संकट के वजह से प्रशासन ने एक बहुत अहम फैसला लिया। जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने फैसला लिया, स्विमिंग पूल में पीने के पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि स्विमिंग पूल में जो पानी होता है वो पीने के पानी का इस्तेमाल उसमें नहीं होगा। उल्लंघन अगर कोई भी करता है तो वहां पर 5,000 रुपए का जुर्माना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्विमिंग पूल में वही पानी का इस्तेमाल होता है, वही पानी उसमें स्टोर किया जाता है जो कि आम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसी वजह से फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया। इससे पहले भी बेंगलुरु से ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार तो हालात जो है वो बहुत ज़्यादा विकराल हो गया है। लोग पीने के पानी को लेकर के परेशान हो रहे हैं, और ऐसे में प्रशासन ने एक बहुत अहम फैसला लिया और ये भी कह दिया कि अगर कोई भी संचालक पीने के पानी का इस्तेमाल स्विमिंग पूल के लिए करता है तो वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बेंगलुरु में इस वक्त जो हालात बने हुए बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, कई सारी रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन ये बताता है कि आम जनजीवन पर कितना असर पड़ रहा है। लोगों को वहाँ पर जो दिक्कतें हो रही है उसके मद्देनज़र प्रशासन की तरफ से इस वक्त कदम उठाए जा रहे हैं। टैंक्स खाली हो चुके हैं। आपने सुना होगा कि जल है तो कल है, लेकिन अगर भी अभी हम नहीं सचेते तो आने वाले वक्त में परिस्थितियां और भी ज्यादा भयावह हो सकती हैं, क्योंकि बेंगलुरु में स्थितियां तो अभी सामान्य नजर नहीं आ रही। और हालात भयानक भयावह नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात बिहार की करेंगे। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर विपक्ष में दरार। बिहार में कांग्रेस का 15 सीटों पर दावा, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आरजेडी ने कांग्रेस से पूछा दावेदारी का था। 2019 में 9 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस, और अब देखिए आप किस तरीके से। इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो यहाँ पर सब कुछ ठीक तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। ये पूछ लिया जा रहा है कि भाई बताइए, आप जितने सीटों की दावेदारी कर रहे हैं आप किस आधार पर ये कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का 15 सीटों पर दावा बिहार में सामने आया है। और ऐसे में आरजेडी ने ये सवाल पूछा है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं 2019 में, क्योंकि 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, तो इसीलिए आरजेडी ये कह रही है उस वक्त तो आप 9 सीटों पर लड़े और अब आप कह रहे हैं कि 15 सीटें, भाई इतनी सीटें आप जीत पाएंगे या नहीं, क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन आपको याद होगा बेहद ही खराब प्रदर्शन रहा, और खराब ही नहीं, प्रिया कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ, उसमें ये भी समझना होगा कि 2019 में महागठबंधन ने सिर्फ एक सीट बिहार की जीती थी 40 लोकसभा सीटों में से, और वो एक सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। शायद ये वजह हो सकती है कि कांग्रेस कह रही हो कि हमने एक सीट तो हासिल की थी, आपने तो वो भी नहीं किया, इसी वजह से हमें 9 सीटें चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि आरजेडी क्या रणनीति बनाती है और 40 लोकसभा। प्रिया, मुझे लगता है कि आरजेडी जानती है कि बड़े भाई की भूमिका में, चाहे किसी भी पार्टी के साथ हो, बड़ी भूमिका की भाई की भूमिका में वही रहेगी, क्योंकि विधानसभा में भी सबसे ज्यादा उसी के विधायक है, तो उसको लगता है कि शायद उसका वो आधार है, उसका वोट बैंक है। लेकिन अब देखना होगा कि ये जो दरार है इसके बाद कैसे रिएक्शन सामने आते हैं, आगे क्या कुछ होता है। बिहार के बाद बात अब हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के कार्यालय में नियुक्ति, रिटायर्ड आईएएस राजेश फुल्लर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बने रहेंगे, ये जानकारी मिल रही है। हरियाणा सरकार ने जारी किए हैं आदेश, तो देखिए नायब सैनी के द्वारा कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई, आज बहुमत साबित उनके द्वारा किया जाना है। सबके बीच में सैनी के कार्यालय में नियुक्ति, रिटायर्ड आईएएस राजेश खुल्लर सीएस बने रहेंगे, ये जानकारी मिल रही है। हरियाणा सरकार ने आदेश इस बात के जारी कर दिए हैं। अब नायब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं, 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है, साथ में उनके 5 मंत्री भी शपथ लेते हुए कल नजर आए। इस बीच रिटायर्ड आईएएस राजेश खुल्लर सीएस उनके बने रहेंगे, आदेश हरियाणा सरकार के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों की, जिनका डीए बढ़ा है। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा है 4%। 1 जुलाई 2023 से नया महंगाई भत्ता लागू होगा, तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, जिनके डीए में हुआ इजाफा, लगभग 4% का डीए बढ़ा है, महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा हुआ। 1 जुलाई 2023 से नया महंगाई भत्ता
लागू होगा। तो ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड से सरकारी कर्मचारियों को होली का तोहफा देते हुए सरकार ने महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। 1 जुलाई 2023 से नया महंगाई भत्ता लागू होगा। हालांकि इसको लेकर के पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि फेस्टिव सीजन में सरकार की तरफ से कर्मचारियों को ये तोहफा मिले, और अब 4% की बढ़ोतरी हुई है। बात दिल्ली की कर लेते हैं। सीएम केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीए पर केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और माफ कीजिएगा थोड़ी देर में केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल की तरफ से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर की जानी है। अरविंद केजरीवाल हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं। अगर उनको ईडी का समन आता है उस पर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं, कोई और मुद्दा होता है मीडिया के सामने आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और अब तो सीए का मुद्दा तो बहुत बड़ा है क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। और आप समझिए कि अब एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केरल और तमिलनाडु, ये तीन वो राज्य हैं जिनकी तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि हम सीएए को अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएए को लेकर क्या बोलते हैं और किस तरीके से निशाना वो साधते हैं, देखना होगा साक्षी। और इस सबके बीच अगली खबर, लालू यादव के करीबी अमित कातियाल पर रेड की खबर सामने आ रही है। ईडी ने पीएमएलए के तहत में कार्रवाई की है। नौकरी के पदे जमीन का ये पूरा मामला है और इसमें रेड की गई। राजस्थान पत्रिका के हवाले से खबर, जहां लालू प्रसाद की फैमिली के ऊपर पूरा लगातार ईडी शिकंजा कसती भी नजर आई, उस पूरे मामले में उनके करीबी अमित कातियाल पर भी रेड की जानकारी सामने आ रही है। पूजा, और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 10 साल पुराने आधार अपडेट करने की जो तिथि है उसको बढ़ाया गया है। फ्री में 14 जून तक आप अपडेट कर पाएंगे। फ्री सेवा जो है उसका अगर जिक्र करें तो माय आधार पोर्टल पर उपलब्ध है। राजस्थान पत्रिका के हवाले से खबर है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में खबर ये आ रही थी कि अब जो फ्री में अभी तक आप अपना आधार अपडेट कर पाते थे वो सेवा खत्म हो जाएगी, लेकिन उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। अब 14 जून तक 10 साल पुराने जो आधार होंगे उनको आप अपडेट कर सकते हैं। फ्री सेवा माय आधार पोर्टल पर उपलब्ध है, यानी आप माय आधार पोर्टल पर जाइए और वहाँ पर जाकर जो भी आप खुद को जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी आप डिटेल्स अपडेट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, वो भी मुफ्त में। आदि कैलाश और ओम पर्वत के होंगे हेलीकॉप्टर से दर्शन। उत्तराखंड सरकार ने मंजूरी दे दी है। 10 अप्रैल से 10 मई तक ट्रायल रन बकायदा होगा। सरकार ने 5 दिन का हेली पैकेज तैयार कर लिया है। राजस्थान पत्रिका के हवाले से खबर, और तमाम जो श्रद्धालु हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है क्योंकि सबकी आस होती है कि एक बार वो अपने जीवन में आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन जरूर करें। लेकिन वैसे श्रद्धालु जो कि जाना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है क्योंकि अब सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है और बहुत जल्द ही जो हेलीकॉप्टर दर्शन की जो सेवाएँ हैं वो शुरू होंगी। इससे पहले 10 अप्रैल से 10 मई तक ट्रायल रन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी में रिटेल इन्फ्लेशन 5.1% पर यथावत है, लेकिन खाने का सामान महंगा हो चुका है। सब्जियों के कारण खाद्य पदार्थों की दर 8.6% रही। तो वहीं आपको बता दें कि CFPI बढ़कर हुई है 9.2%। द हिंदू में यह खबर प्रमुखता से छपी। तो फरवरी में रिटेल इन्फ्लेशन 5.1% पर यथावत है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। रूस की सेना में भारतीय स्टूडेंट्स को भेजने का मामला। देखिए, सीबीआई के रडार पर बीजेपी के नेता का बेटा है और ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता हैं अनीता मुकुट, सीबीआई के रडार पर हैं सूर्यांश मुकुट। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता अनीता मुकुट, इंडियन एक्सप्रेस के वाले से खबर है। इंडियाज टैकेट कार्यक्रम में अब एक तरफ आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी के शामिल होने का सिलसिला शुरू होगा। इस बीच एक ये खबर भी है जिसका जिक्र अभी हमने किया कि जो नेता हैं उनके बेटे भी इस वक्त कई मामलों में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता अनीता मुकुट, जिनके बेटे सीबीआई के रडार पर हैं, सूर्यांश मुकुट उनका नाम है। और देखिए, एक देश एक चुनाव से लगभग 1.5% बढ़ सकती है जीडीपी एक साथ चुनाव कराने से, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगा। 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह ने इस बात की रिपोर्ट दी है। IMF की प्राची मिश्रा ने एनके सिंह के साथ रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में एक साथ चुनाव होने से क्राइम रेट के कम रहने का भी हवाला दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर है, मतलब इंडियन एक्सप्रेस में जो ये खबर छपी है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अगर एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला लागू होता है तो लगभग 1.5% GDP इससे बढ़ सकती है और जो क्राइम रेट है वो भी इससे काफी हद तक कम हो जाएगा। ब्रिटेन जाएंगे 2000 भारतीय डॉक्टर्स। ब्रिटेन में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करेंगे। 9 शहरों में ट्रेनिंग सेंटर यहां पर होगा। NHS देगा फास्ट ट्रैक PG प्रोग्राम ट्रेनिंग।
दैनिक भास्कर के हवाले से खबर है। और क्योंकि अब ब्रिटेन में इस वक्त डॉक्टर्स की कमी देखने को मिल रही है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि भारतीय डॉक्टर्स को वहां पर भेजा जाएगा और इसके लिए 2000 डॉक्टर्स यहां पर जिनको ट्रेन किया जाएगा और 9 शहरों में ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत भी हो चुकी है। बिल्कुल प्रिया, और ये खबर दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर छपी है। ब्रिटेन जाएंगे 2000 भारतीय डॉक्टर और 9 सेंटरों में ट्रेनिंग की शुरुआत हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि NSE ने घटाया ट्रांजेक्शन चार्ज, ट्रेडिंग अब करना सस्ता हुआ है। इक्विटी ट्रेडिंग को किया है 1% कम, NSE की कम होगी 130 करोड़ रुपए की आय। दैनिक भास्कर में ये खबर छपी है। अगली खबर, अधीर रंजन चौधरी ने सरकार से अपने शॉर्टलिस्टेड नेम्स को मांगा है। इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर पद के शॉर्टलिस्टेड नामों की डोजियर देने की मांग अधीर रंजन चौधरी के द्वारा उठाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 14 मार्च को चयन समिति की बैठक होगी। सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता के रूप में समिति के सदस्य हैं चौधरी। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर आपको बता रहे तो चयन की समिति में बैठक यहां पर होने जा रही है। अधीर रंजन चौधरी ने सरकार से मांगे हैं शॉर्ट लिस्टेड नामों की सूची और इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर पद के शॉर्ट लिस्टेड नामों की सूची मांगी गई है। शॉर्ट लिस्टेड नामों की डोजियर देने की मांग उठा दी गई है। और देखिए, FCI के पास गेहूं का स्टॉक 2018 के बाद से सबसे कम है। 2 साल में पहली बार है कि 100 लाख टन से नीचे गया है स्टॉक और इस महीने घटकर 97 लाख टन रह गया है स्टॉक। चावल का जो स्टॉक है FCI के पास पर्याप्त है। फिलहाल चावल का स्टॉक 4 गुना ज्यादा है, लेकिन जब बात आ रही है गेहूं की तो गेहूं का स्टॉक 2018 के बाद से सबसे ज्यादा कम है FCI के पास में। फिलहाल चावल 4 गुना है। सबरीमाला मंदिर वार्षिक उत्सव के लिए खुलेगा, मासिक पूजा के लिए भी खुलेगा मंदिर। 10 दिन तक चलने वाला है वार्षिक उत्सव। भक्तों को 18 पवित्र सीढ़ियों पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। तो सबरीमाला मंदिर अब वार्षिक उत्सव के लिए खुलेगा और इसको लेकर के भव्य तैयारियां की गई है, क्योंकि लोगों की आस्था का विषय है। लोग बड़ी संख्या में और लाखों की तादाद में जाते हैं, तो ऐसे में उनके लिए अब वार्षिक उत्सव के लिए इस मंदिर को खोला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली, आपको बता दें कि किस तरीके से नाबालिगों के काम करने पर यहाँ पर विवाद हुआ है। IHC में NCPCR के सदस्य को नाबालिग बच्चों ने खाना परोसा, ऐसे में IHC और ठेकेदारों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई। दिल्ली पुलिस को बकायदा नोटिस भी जारी किया गया है। अगली खबर, दिल्ली में क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। नकली कैंसर की दवा के रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। 2 अस्पताल के कर्मचारियों समेत 7 को गिरफ्तार भी किया गया। 4 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय दवाइयां बरामद की गई है छापेमारी के दौरान। मोदी नगर में फ्लैट में बनाई जा रही थी ये सभी दवाइयां। गुरुग्राम से नकली इंजेक्शन और शीशियां भी बरामद यहां पर की गई है। वहीं हिंदुस्तान अखबार की बात करूं तो यहां पर हेडलाइन दी गई है और बड़ा आर्टिकल दिखाया गया, जिसमें बताया गया कि शिकंजा कैसे कसा गया और कैंसर की नकली दवाएं बनाने वाले गिरोह का बड़ा पर्दाफाश यहां पर किया गया है। पूजा, और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सेबी से वेदांता को लगा बड़ा झटका। वेदांता लिमिटेड का को सेबी का आदेश, ब्याज के साथ साथ 77.62 करोड़ देने का आदेश है। केयर्न एनर्जी को 45 दिन के अंदर भुगतान करें। सेबी से वेदांता को यह बड़ा झटका लगा है। केयर्न एनर्जी को 45 दिन के भीतर भुगतान करें, यह कहा गया वेदांता लिमिटेड को सेबी का यह आदेश है। तो वहीं CA को लेकर के MHA का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। भारतीय मुसलमान CA से नहीं डरे, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कहा गया। नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा, हिंदुओं के समान अधिकार आपको मिलते रहेंगे। तो भ्रम की जो स्थिति बन रही है उसको दूर करने की कोशिश हर एक प्लेटफॉर्म से, और इसको लेकर के गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारतीय मुसलमानों को डरने की आवश्यकता नहीं। बाइडेन और ट्रंप होंगे राष्ट्रपति पद के दावेदार। बाइडेन को डेमोक्रेट से मिला है समर्थन। 2020 में भी ट्रंप और बाइडेन के बीच ही मुकाबला हुआ था और एक बार फिर इन दोनों के बीच ही मुकाबला होगा। अगली खबर नोएडा से। नोएडा में बैचलर मेहमान रुकने पर रोक। सेक्टर 99 के सुप्रीम टावर सोसाइटी का एक फैसला सामने आया। अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन से अनुमति के बाद में रुक पाएंगे अविवाहित गेस्ट। दैनिक भास्कर के हवाले से खबर, और लगातार इस खबर के ऊपर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। पूजा, और आगे बढ़ रहे हैं। खनिजों पर टैक्स लगाने का मामला, 7 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। केंद्र सरकार ने खनिजों पर टैक्स लगाने पर अपना एकाधिकार बताया और कोर्ट ने केंद्र से एकाधिकार का कानून दिखाने के लिए अब सरकार से कहा है। सरकार ने टैक्स को लेकर जो यहां पर अपनी तरफ से पक्ष रखा, उसी को लेकर कोर्ट ने जब अपना फैसला यहां पर सुनाया तो सवाल पूछे कई केंद्र सरकार ने। वहीं IAS अशोक खेमका मामले में सर्वोच्च अदालत में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला पलटा।
आईएएस अशोक खेमका को अप्रेजल में दी गई ऊंची ग्रेड को माना सही, जुडिशरी द्वारा प्रशासनिक दखल को बताया गलत। तो इस पूरे मामले में अशोक खेमका, और ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी रहे हैं जिस तरीके से उनका पूरा कार्यकाल रहा, और इसको लेकर के सर्वोच्च अदालत में मामले पर सुनवाई हुई। बात न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड के डिप्टी पीएम ने भारतीय पक्ष को सराहा है, कहा कि वे कानून को मानते हैं लेकिन भारत के क्षेत्राधिकार का भी सम्मान करते हैं। विंस्टन पीटर्स हैं भारत के दौरे पर। खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर पर पीटर्स ने ये बात कही, उस दौरान उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आया। न्यूजीलैंड है फाइव आइज अलायंस का सदस्य और ये अलायंस शेयर करता है इंटेलिजेंस इनपुट को। अगली खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के 24 घंटे में मुख्यमंत्री को बदला गया। मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी ने शपथ ली, मुख्यमंत्री 11वें वो बन जाते हैं हरियाणा के। फिर गैर जाट पर दांव यहां पर बीजेपी ने खोला है। चुनाव में गैर जाटों के वोटों का ध्रुवीकरण करने की खबर यहाँ पर सामने आ रही है। और अब देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम में मौजूद रहे उसी दौरान उनके द्वारा मनोहर लाल की तारीफ की गई और ठीक 24 घंटे के अंदर सरकार यहाँ पर मुख्यमंत्री बदल जाता है। देखिए बिल्कुल, 56 साल बाद यहाँ पर कोई ओबीसी कैंडिडेट मुख्यमंत्री बना। कर्नाटक में फूड कलर पर प्रतिबंध लगा है। कर्नाटक सरकार ने रोडामाइन बी पर बैन लगा दिया है। रोडामाइन का इस्तेमाल होता है कॉटन कैंडी के अंदर, गोभी मंचूरियन में भी इसका इस्तेमाल होता है। स्वास्थ्य मंत्री ने इसे लेकर सख्त चेतावनी दी है, किसी रेस्टोरेंट में पाए जाने पर 10 लाख का जुर्माना लगेगा। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में शुगर कैंडी को लेकर कई रिपोर्ट सामने आई कि ये बड़ी खतरनाक है, जिसके बाद से अब ये जो फूड कलर है जिसका इस्तेमाल होता है उस फूड कलर के इस्तेमाल पर बैन लगाया गया है, और अगर कोई इसे अपने पास रखता है तो उसके ऊपर फिर लगेगा भारी भरकम जुर्माना। और कहा यह भी जाता है कि कैंसर का खतरा भी इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। आगे बढ़ेंगे, परफॉर्मेंस देखना हमारा काम नहीं, कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया, नौकरशाहों का परफॉर्मेंस हम नहीं देखेंगे। आईएएस खेमका के खिलाफ दायर की गई याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को निर्देश दिए खेमका का ग्रेड को बरकरार रखा जाए। इससे पहले भी हम इस बात का जिक्र करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान ये बातें कही। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को राहत दी है, केंद्र सरकार से केरल को बेल आउट पैकेज देने को कहा है। केरल जूझ रहा है वित्तीय संकट से, ऐसे में केंद्र सरकार ने उधार लेने की सीमा तय कर दी है। आगे बढ़ते हुए अगली खबर, ग्लोबल वाइन सेल्स में आई है कमी। जानकारों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया वाइन उद्योग पर संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। 2 बिलियन लीटर वाइन नहीं बिक पाई है और इसकी वजह से बड़ा संकट। ऑस्ट्रेलिया है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा वाइन एक्सपोर्टर, ऐसे में जब वाइन कम बिक रही है तो बड़ा संकट, बड़ी संख्या में वाइन यार्ड जो है वो तबाह हो गए हैं। और आगे बढ़ रहे हैं, सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे IUMLDYFI, कानून मुस्लिमों से करता है भेदभाव। सुप्रीम कोर्ट में IUML की ओर से याचिका दायर की गई है, सीए पर स्टे लगाने की मांग की गई है। दरअसल सरकार ने सीए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है और अब सीए लागू हो चुका है देश के अंदर। सरकार कह रही है कि देश के मुसलमानों को इससे कोई खतरा नहीं है, नागरिकता लेने नहीं बल्कि देने का प्रावधान करता है। वहीं कर्नाटक में जल्द आ सकते उम्मीदवारों की सूची, बीजेपी 2 दिन में जारी कर सकती है लिस्ट। तो ये बड़ी खबर, और लगातार उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, और अब खबर ये कि कर्नाटक के लिए भी जल्द भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोल सकती है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 6 अयोग्य विधायकों का पूरा मामले की सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने विधायकों से किया सवाल, पूछा कि वे क्यों नहीं गए हाई कोर्ट। सुनवाई की योग्यता पर संदेह किया, कहा कि एमएलए बताएं कि उनके किन मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। और अब 18 मार्च को अगली सुनवाई होगी। दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर यह खबर छपी है।